एक गांव में सुंदर नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम मीरा था। उनको दो बेटे और दो बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। सुंदर ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां, इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। सुंदर के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी सुंदर को अपने बेटे बहू के रे होमोक्रम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन सुंदर की मृत्यु हो गई, वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गए, पर मीरा मात्र अकेली रह गई। मीरा ऐसे ही उदास मन स्थिति से मंदिर में गई। वहाँ उसे उनकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। मीरा को उदास देखकर शांता ने मीरा से उसके उदासी का कारण पूछा। मीरा अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। उसे बताया वह सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर मीरा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर मीरा के पास गई और वो जैसे पहली बार मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांता ने मीरा को गले लगा लिया। मीरा ने शांता को पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? मीरा के दोनों बहू मीरा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए, मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार मीरा बोली, शांता तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे मीरा, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई और शादी उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा नहीं करते हैं, उनको सिर्फ बैठ कर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियाँ हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते हैं उन्हें। फिर शांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूँ। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपयों की 5,000 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊँगी। शांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी के साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नहीं पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनको तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के ज़िंदगी में एक सा प्रसंग आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांता के जाने के बाद मीरा के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। मीरा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजा कर गिनती थी।
नाणों का आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका मीरा पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसे 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र ख़त्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला मीरा ने अपने मरने तक चालू रखा। मीरा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक मीरा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोकलाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। तो स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।